वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर गांव है। ये एक आध्यात्मिक धार्मिक महत्व रखने वाला स्थान है, खास करके हिंदू धर्म के लिए, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन और किस्सों के साथ जुड़ा हुआ है। लास्ट एपिसोड में हमने मथुरा के मंदिर, आश्रम, फूड और उसके बजट के बारे में डिस्कस किया था और आज के इस एपिसोड में हम वृंदावन के टूर, फूड एंड बजट के बारे में जानेंगे। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और उनकी दिव्य प्रतिमा राधा को समर्पित कई सारे मंदिर हैं। कुछ प्रमुख मंदिरों में से बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, निधि वन और प्रेम मंदिर शामिल है, जिनके बारे में हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। वृंदावन पहुंचने का सबसे सरल तरीका है रेलगाड़ी। वृंदावन का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है मथुरा जंक्शन। अगर आप भाई रोड आना चाहते हो तो वृंदावन मुख्य राजमार्ग से जुड़ा हुआ है और यहाँ बस या फिर निजी वाहन से बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। वृंदावन पहुंचने के बाद आप किसी भी आश्रम या फिर धर्मशाला में फ्री में रुक सकते हैं। आपको सैकड़ों ऐसे धर्मशालाएं मिल जाएंगी। अगर आपको जगह नहीं मिलती है तो आपको 400 से 1200 रुपए के बीच में कई सारे होटल्स, रूम्स या फिर गेस्ट हाउस मिल जाएंगी वृंदावन में। ये वाले होटल में आपको एसी वाला रूम 1800 रुपए, नॉन एसी वाला रूम 1200 रुपए में मिल जाएगा। वृंदावन में मंदिरों में प्रसाद फ्री में परोसा जाता है और साथ ही साथ रास्ते पर मुफ्त में खाना बांटा जाता है भक्तों के लिए। वृंदावन में कई सारे ऐसे होटल्स हैं जहां पर आप शुद्ध शाकाहारी सात्विक खाना बड़े ही कम दामों में खा सकते हैं। अब चलेंगे वृंदावन की ओर। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने बचपन के वर्षों को इस वृंदावन के गलियों में बिताया था। ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की थी। वृंदावन में इन कथाओं से जुड़ी कई सारे मंदिर और पवित्र स्थल हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण जी के भक्तों के लिए मुख्य तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। पहले हम चलेंगे वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर। मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें प्यार से बांके बिहारी कहा जाता है। बांके बिहारी मंदिर को भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए सबसे पवित्र और श्रेष्ठ मंदिर में से एक माना जाता है। यहाँ पर जन्माष्टमी सबसे अधिक मनाई जाती है। इस्कन वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के भक्ति और आध्यात्मिक संदेश को प्रसारित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। इस्कन मंदिर का आर्किटेक्चर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आदर्शों का मिश्रण है। इस्कन के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यह वृंदावन की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। निधिवन। निधिवन को भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का स्थल के रूप में माना जाता है। यहाँ पर ऐसे कई मंदिर और जगहें हैं जो कि इन लीलाओं से जुड़ा हुआ है, जैसे कि रंगीन मंदिर, प्रेम मंदिर और स्वर्ण मंदिर। पागल बाबा मंदिर। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में सबकी इच्छाएं पूरी होती है। पागल बाबा मंदिर 10 मंजिलों का बना हुआ है और 10वीं मंजिल के ऊपरी भाग से पूरे वृंदावन को बखूबी निहारा जा सकता है। प्रेम मंदिर। वृंदावन के सबसे आकर्षित और बेहतरीन जगह है प्रेम मंदिर, जहां पर दिन भर हजारों की तादाद में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन शाम होते होते इसकी खूबसूरती 100 गुना बढ़ जाती है। रंग बिरंगी चमचमाती लाइटों से जगमगाता हुआ मंदिर शाम को देखने को मिल जाएगा। इस मंदिर के बारे में भी डिटेल बात करेंगे और साथ ही साथ इसको और भी एक्सप्लोर करेंगे और एक वीडियो में। कात्यायनी शक्तिपीठ यवन शक्तिपीठ में से एक, ये है कात्यायनी मंदिर। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये है। इधर माता जी के केस गिरे थे। इधर कात्यायनी मंदिर, मंदिर के अंदर फोन निषेध है। Thank you.
वृंदावन में परिक्रमा का भी एक अलग आनंद है। आप वृंदावन को चलकर भी घूम सकते हैं, क्योंकि सारे मंदिर, आश्रम और प्रवचन पंडाल आसपास ही। YouTube और सोशल मीडिया पे जो भी सारे धार्मिक प्रवचन वाले वीडियोस देखने को मिलते हैं, उन सब के बाबा और ऋषियों का आश्रम भी यहीं पर है, और प्रवचन सुनने के लिए यहाँ पर हजारों के तादाद में लोगों की भीड़ लगी रहती है। वृंदावन में विभिन्न हिंदू त्योहारों को भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिनमें से श्री कृष्ण जन्माष्टमी सबसे प्रमुख है। इन त्योहार पर भगवान कृष्ण के जन्म की खुशियां मनाई जाती है। यहाँ के रंगीन होली की उत्सव भी बड़ी उत्साह से मनाया जाता है। धार्मिक महत्व के अलावा वृंदावन अपनी शांति और ऐतिहासिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ के विभिन्न मंदिर, यमुना नदी के घाट और आध्यात्मिक माहौल में विचरण किया जा सकता है। अगले एपिसोड में हम वृंदावन का एक्सप्लोर करेंगे और फिर जानेंगे मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन को कैसे मात्र 2 दिन में घुमा जा सकता है। मथुरा टूरिस्ट स्पॉट एंड मथुरा के फूड को हमने एक्सप्लोर किया हुआ है, जिसके ब्लॉग्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है। साथ ही साथ कई सारे ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स एंड रिलीजियस प्लेसेस के ब्लॉग्स भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वो सारे चीजें देख सकते हैं। हमारे शॉर्ट सेक्शन में कई सारे मिनी फूड ब्लॉग्स भी देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं और एक वीडियो में किसी नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम।